हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस रीजनिंग की क्लास में। और वहीं पर आप सब हम सब खड़े हैं छात्रगण, जहां आपको कल छोड़ गए थे। आपको याद होगा कि कल की क्लास में हम सबों ने एंगल पर डायरेक्शन टेस्ट में मुड़ना सीखा था। उम्मीद करते हैं कि एंगल के निर्माण के फलस्वरूप आप सब एंगल पर कई सारे प्रश्नों को बना पाने में कामयाब हो रहे होंगे कि किस प्रकार। केवल दो शब्द उसमें दिमाग में रखिएगा, एंगल पर मुड़ने की स्थिति। मैंने आपको दो टर्म्स कल सिखाए थे, एक था दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज, और एक सिखाया गया था वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ये दो कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, और जितना डिग्री से वो मुड़ रहा है उस डिग्री पर आपको कल खींचना सिखाया था कि 45 कैसे होता है, 90 कैसे होगा। 45 और 90 के सहारे, केवल दो एंगल के सहारे आप 135 ड्रॉ कर सकते हो, 180 ड्रॉ कर सकते हो, 270 ड्रॉ कर सकते हो, 250 ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए कि 100 डिग्री आ गया तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, 90 से हल्का सा बढ़ जाएगा। अगर 100 डिग्री क्वेश्चन में रहा, कहता है कि राम पूरब की ओर चलता है और 100 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, दक्षिणावर्त दिशा मुड़ जाता है, तो 100 डिग्री जब वो मुड़ रहा है तो हल्का सा हम उसको मोड़ देंगे, मतलब 90 का जो एंगल होता है सीधा उसको हल्का सा तिरछा कर देंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। वो अजम्पशन बेस पे कोई स्केच आपका नहीं देख रहा है, सिर्फ डायरेक्शन आपको देखना है कि हाँ 100 डिग्री में इधर जाएगा कि इधर जाएगा। इन दो प्रारूपों को याद करके छात्रगण आप बहुत अच्छे से डायरेक्शन टेस्ट पे कमांड कर सकते हैं। आज आपको डायरेक्शन टेस्ट का जो टाइप नंबर 1 है उसका तीसरा पड़ाव पर आपको लेकर के आ रहे हैं। पहले पड़ाव में हमने दिशा निकालना सीखा, दूसरे पड़ाव में हम सब जंपिंग डायरेक्शन के पास में थे, और आज के तीसरे पड़ाव में छात्रगण, कल के ही तीसरे पड़ाव में हम सब एंगल से मुड़ना सीखे थे, और आज के चौथे पड़ाव में छात्रगण आपका स्वागत कर रहे हैं। और चौथा पड़ाव आज आपको लेकर के आ रहे हैं कि किस प्रकार से यदि प्रश्न में शुरुआत की दिशा नहीं दी रही होगी, यानी कहानी यहां पर बिल्कुल चेंज हो जा रहा है छात्रगण। कहानी चेंज इसलिए हो रहा है, यहां पर सिंपल सी एक थ्योरी है जिसको आपको समझना चाहिए, और वो थ्योरी यही है कि आपको डायरेक्शन टेस्ट के इस पड़ाव में, अभी तक के पड़ाव में आपने देखा कि राम अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, मतलब शुरुआत की दिशा प्रश्न में दी हुई है। आप यहां पर देखेंगे कि आपकी शुरुआत की डायरेक्शन, शुरुआत की दिशा जो है ही गायब कर दी जा रही है प्रश्न से, शुरुआत का दिशा आपको नहीं दिया हुआ रहेगा। हाँ, लिखिए, आइए लेट अस सी वन ऑफ द क्वेश्चंस। सब टाइप हो जाएगा नंबर 4, टाइप 1 ही चल रहा है उसका, टाइप 1 का सेक्शन नंबर 4 चल रहा है। सेक्शन 4 में देख लीजिए क्या कहता है। आभा स्कूटर द्वारा अपने घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करती है। अब आभा स्कूटर द्वारा अपने घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान कर रही है तो उसका घर किधर, किस दिशा में है, किधर जाएगी, ये प्रश्न में नहीं होता है, अर्थात शुरुआत का दिशा गायब हो जाता है। सबसे पहले वह दाएं मुड़कर के 20 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। यदि अंतिम स्थिति में उसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर हो तो घर से निकलते समय उसका चेहरा किस दिशा की ओर था, ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा। आप क्वेश्चन के इस पैटर्न पर एक ही चीज केवल बच्चा मेरा यहां समझता हुआ नजर आना चाहिए, और वही वो ये है कि प्रश्न में शुरुआत में जो स्टार्टिंग हम लिखते थे कि राम 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, वो कहानी यहां पर खत्म कर दीजिए। उसका यहाँ पर कोई जगह नहीं है, उस कहानी का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ पर जगह है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का, और वो है आपका जो ये पूरी तरह से जो ये निचोड़ जो निकल करके आ रहा है, पूरा क्वेश्चन का जो निचोड़ है उसी के यहाँ पर कहानी कही जा रही है। निचोड़ प्रश्न का आप देख पा रहे होंगे कि निचोड़ क्या है प्रश्न का, कि शुरुआत की दिशा गायब रहेगी। जैसे ही आपको प्रश्न मिला और प्रश्न में आपने देखा कि सर शुरू में दिशा नहीं दिया हुआ, शुरू में डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, आपको क्या करना है। देखिए, जब प्रश्न में शुरुआत की दिशा नहीं रहेगी, अंतिम स्थिति अवश्य रहेगा कि अंतिम स्थिति में उसका चेहरा किस ओर था, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। देखिए, यहां भी वही चीज है, यदि अंतिम स्थिति में उसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर हो, देखिए लास्ट में उसका फेस दिया हुआ है, लास्ट में उसका फेस किस दिशा की ओर है, साउथ की ओर है, जिस दिशा की ओर दिया रहा है साउथ की ओर है, आपको बस सीधा सीधी अपना साउथ की ओर खड़ा हो जाना है, आपको साउथ की ओर खड़ा हो जाना है। जो अंतिम दिशा रहेगा, एकदम समझिए ये ट्रिक है या बनाने के नियम है या संजय सर का खोजा हुआ ट्रिक है, ये जो भी है, ये आपको सिंपली बस एक काम करना है कि यदि प्रश्न में शुरुआत की दिशा ना दिया रहे, अंतिम दिशा 100% दिया हुआ रहेगा, उस अंतिम स्थिति में उसका चेहरा जिस दिशा की ओर है उस दिशा की ओर आपको खड़ा हो जाना है। आप दक्षिण दिशा की ओर यहां पर खड़ा हो गए। अब खड़ा होने के बाद
प्रश्न में जो कुछ एकदम शुरू में आ जाइएगा, लास्ट में डायरेक्शन में खड़ा होकर के जो प्रश्न बोल रहा है जस्ट उसका उल्टा करेंगे हम लोग। वही ना बात हो गया कि भाई हम चलते हुए देखिए, हम सपोज करिए चलते हुए हम यहाँ आ गए, अब हम कह रहे हैं कि मुझे पहले स्थान पर पहुँचाओ, तो क्या होगा हम अगर उल्टा चले, पहले हम इधर जाएँ फिर इधर जाएँ फिर इधर जाएँ फिर इधर जाएँ फिर इधर जाएँ, तो देखिए हम अपने स्थान पर पहुँच गए ना। बिल्कुल सेम कहानी वही कहना है, हम जस्ट जो प्रश्न में देगा उसका उल्टा चलेंगे, तो उल्टा चलेंगे तो बताइए शुरुआत पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सिंपल, हम जिधर से गए, हम सपोज कीजिए खुद ये सिंपल थिंकिंग की बात है, हम जिस रास्ते को पकड़ करके गए, हम जहां जाना था वहां पहुंच गए, अब हमको कह रहा है फिर वही रास्ता पर तुम लौटो, तो अगर हम उसी रास्ते पर विपरीत दिशा में आते हुए चले तो बताइए अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सेम वही कहानी, लास्ट में क्वेश्चन यही निकलता कि घर से निकलते समय उसका चेहरा किस दिशा की ओर था। जब आभा स्कूटर से अपने घर से निकल रही थी तो वो चेहरा निकालना कि आभा किस दिशा में निकली थी, कुछ नहीं, जो लास्ट में डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा उस डायरेक्शन पर आपको खड़ा हो जाना है, दक्षिण दिशा की ओर, साउथ बनाने आप जान गए हैं। अब प्रश्न को पढ़ने सबसे पहले शुरू करेंगे। आभा स्कूटर द्वारा अपने घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करती है, सबसे पहले वह दाएं मुड़ करके 20 मीटर चलती है। अब हमको दाएं नहीं मुड़ना है, जो बोलेगा उसका जस्ट उल्टा, वहां दाएं बोल रहा है तो हम किधर मुड़ेंगे, बाएं। अब यहाँ का बाएं कितना होगा, इधर देख ध्यान लगा लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपना दो आईज बना लीजिए, आईज बना करके अपना दाएं नहीं बोल रहा है बाएं, दाएं बोलेगा तो हम लोग किधर मुड़ेंगे, बाएं, तो यहां से इसको बाएं मुड़ा दीजिए, यहां से बाएं मुड़ा दीजिए, बाएं, वह सबसे पहले वह दाएं मुड़कर, तो सबसे पहले वो किधर मुड़ेगी, बाएं मुड़ करके 20 मीटर चलती है, यहां से वो कितना चलती है 20 मीटर, अब भी मुड़ा दीजिए, क्यों विपरीत चल रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए। फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, जब वो बाएं बोलेगा तब वो कहां मुड़ना है, दाया, तो हम किधर मुड़ेंगे, दाया, दाया मुड़ करके कितना चलती है 15 मीटर। तत्पश्चात वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, अब दाएं मुड़ती है, हम किधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, तो यहां से बाएं किधर हो जाएगा, इधर, और ये चलती है 30 मीटर, कितना मीटर चलती है 30 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ करके, अंत में वह किधर मुड़ती है, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। बाएं बोल रहा है तो हम कहां मुड़ेंगे, दाया मुड़ेंगे, दाया नीचे होगा, चूंकि स्पेस नहीं है, 40 मीटर की और लंबी लाइन होगी, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। अब सिंपली आप देखिए कि अब वो किस दिशा में जा रही है, बस इस दिशा को देखिए, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ है ना साउथ, तो बस जहां पर ये जिस डायरेक्शन में आपका जाएगा दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ यानी कि दक्षिण हो गया। लास्ट में जहां जाती है वहां पर चला गया, आंसर निकल गया कि आभा स्कूटर द्वारा अपने घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान करती है, उसमें उसका चेहरा किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। अब क्वेश्चन को आप अगर चेक करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, सिंपल काम कीजिए, साउथ आपका आंसर आया, आप सीधे निकलिए, आभा स्कूटर द्वारा अपने घर से विद्यालय के लिए प्रस्थान कर, दक्षिण दिशा से प्रस्थान कराइए, सबसे पहले वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ जाइए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है करिए, अंत में आपका चेहरा जो है, आंसर जो आपका निकलेगा वो साउथ आ जाएगा। तो कितना आसान तरीके से हम सब कितना आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं छात्रगण, एक ही फंडा, एक ही कंसेप्ट ऐसे प्रश्नों के लिए आपको याद करके रखना है, और वो फंडा यही है कि जब प्रश्न में, एकदम से याद कर लीजिए, जैसे ही प्रश्न में आपको शुरुआत की दिशा ना दिया रहे तो आपको अंतिम दिशा दी हुई रहेगी, उस अंतिम दिशा पर आप खड़े हो जाइए। प्रश्न में जो कुछ भी है, 14 बार बाएं दिया हुआ है, जो प्रश्न बोलेगा जस्ट आपको उसका उल्टा चलना है। प्रश्न बाएं बोलता है आप दाएं चले, प्रश्न दाएं बोलता है आप बाएं चले, लास्ट में जिस दिशा की ओर आपका क्वेश्चन आंसर लेकर के जा रहा है, जिस दिशा की ओर आप आरेख खींच करके बढ़ रहे हैं, वही दिशा आपका यहां पर आंसर होगा छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आपने बहुत ही बखूबी अंदाज से सीखने का प्रयास किया होगा छात्रगण, लगातार आपका प्रैक्टिस आपको इस चैप्टर पर भी मास्टर बना देगा। आइए अब आपको और कई इस पे, इसी पड़ाव पर, इसी तरह के कई क्वेश्चंस पर आपको लेकर के चलते हैं, ताकि 2-3 क्वेश्चन बनाने पर चैप्टर ऐसे ही हैंडी हो जाता है, एक आध क्वेश्चन में बच्चा को समझने में लग जाता है। आइए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन जब हम बना रहे होंगे बोर्ड में तो आप मेरा सॉल्यूशन ना देखेंगे, आप खुद का अपना हल बनाइए। जब आप देख लीजिए सर हम अपने हल बनाने के बावजूद हम क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं, तब जाकर के मेरे प्रश्नों का हल आपको देखना है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं छात्रगण। अगले प्रश्न के पड़ाव पर है छात्रगण, दाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया, तत्पश्चात देखिए फिर वही दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया, यानी कहानी शुरू, ये भी शुरुआत की दिशा नहीं दिया हुआ, तत्पश्चात चौराहे से दाएं मुड़ गया, कुछ और आगे चलने के बाद वह बाएं मुड़ा तथा पुनः बाएं मुड़कर अंततः दाएं मुड़ गया।
यदि अंतिम स्थिति में उसका मुंह उत्तर की ओर हो तो बताएं कि दुकान से निकलते समय उसका मुंह किस दिशा में था। वही शुरुआत की दिशा ज्ञात करनी है, शुरुआत की दिशा गायब है। सिंपल सा बात आपको बताया है कि सीधे सीधे क्वेश्चन से निकालिए कि उस बंदे का, उस बच्चे का चेहरा, कुणाल का चेहरा अंतिम स्थिति में कहां पर है। तो बोलता है कि यदि अंतिम स्थिति में उसका मुंह उत्तर की ओर है, एकदम सिंपली आपको केवल उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो जाना है। आप खड़ा हो गया उत्तर की ओर मुंह करके, कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ा। आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो बोलेगा उसका जस्ट उल्टा करना है। वहां बाएं बोल रहा है, आपको दाएं मुड़ना है। यहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर, तो यहां से दाएं किधर होगा बताइए, दाएं इधर होगा। यहां से 10 मीटर चलिए, 10 मीटर चल गए आप। तत्पश्चात उसको क्या मिलता है, एक चौराहा मिलता है। यहां पर एक चौराहा मिलता है, चौराहे से दाएं मुड़ गया। उसके बाद वो क्या मिलता है, दाएं मुड़ा कुछ और आगे चलने के बाद, हाँ यहां से वो दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। क्लियर है ना, जो बोले उसका जस्ट उल्टा मुड़ा। कुछ और आगे चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। अब हम लोग क्या बोलेंगे, बाएं बोला है तो इधर दाया होता है, हम लोग दाया मुड़ेंगे, यहां दाया मुड़ गया, बाएं मुड़ा तथा पुनः बाएं मुड़ करके फिर यहां से वो बाएं, मतलब बाया किधर जाएगा, उधर जाएगा, हम सब दाया मुड़ गया, बाएं मुड़कर अंततः दाया मुड़ा है। लास्ट में किधर मुड़ता है, दाया, तो दाया मेरा किधर, अंततः बाएं मुड़ गया। यदि अंतिम स्थिति हो गया, कहानी खत्म। आप सीधे बताइए कुछ किस दिशा की ओर जा रहे हैं, आंसर में खोजेंगे सीधे अपना ऑप्शन कि हम, हाँ उत्तर की ओर है तो बताएं कि दुकान से निकलते समय उसका मुंह किस दिशा में था, कुछ गड़बड़ाया क्या। आंसर तो हम लोग का पूर्व आ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम स्थिति में उसका मुंह उत्तर की ओर है, कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया, 10 मीटर, अच्छा अंतिम चेहरा, कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया, 10 मीटर चलकर वहां दुकान निकला है, ओहो दुकान से निकला है और 10 मीटर कहां चला, 10 मीटर चलकर के बाएं मुड़ गया है, तो 10 मीटर चलकर के बाएं मुड़ा हुआ है, यहां पे 10 मीटर चलकर के बाएं मुड़ा है तो हम लोग दाएं मुड़ेंगे 10 मीटर। कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर कहां मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, तो चल अच्छा यहां गड़बड़ी हुआ है, शुरुआत से ही गड़बड़ी हो गया, यहां से गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं गड़बड़ होने दीजिए, ठीक है चलिए थोड़ी सी क्वेश्चन गलती हो गई। हाँ तो अंतिम स्थिति में उसका मुख किस दिशा की ओर, उत्तर की ओर है, अंतिम स्थिति में उसका चेहरा उत्तर की ओर है, दिखा दिए हैं। कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया। अब देखिए सबसे पहले वो चलता है, कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया। अब वो किधर चलता है, ये तो क्वेश्चन मेरे चल के चलता है, वो कहानी खत्म, चलिए 10 मीटर चलकर वो कहां मुड़ा है, बाएं मुड़ गया है। तो अंतिम स्थिति में छोड़ा 10 मीटर चल करके वो बाएं मुड़ता है, ठीक है ना, ये 10 मीटर होगा और चल करके वो बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ने के लिए हम लोग किधर मुड़ेंगे, दाएं, यहां दाएं मुड़ गए, मुड़ गए तत्पश्चात चौराहे से दाया, यहां पर इसको एक चौराहे, यहां से वो दाएं ले, तो दाएं में रहे हम लोग बाएं, तत्पश्चात चौराहे से दाएं मुड़ गया, हम लोग बाएं मुड़ गए और कुछ और आगे चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। यहां से वो फिर क्या करता है, कुछ और आगे चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, हम सब दाएं मुड़ जाएंगे, दाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ा तथा पुनः बाएं मुड़कर तथा फिर यहां से वो क्या मिलता है, बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं तो क्या ऊपर, हम लोग कहां दाएं, अंत दाएं, अंत दाएं, तो दाएं मेरा किधर हो गया, इधर, तो हम लोग ठीक एकदम पूर्व दिशा की ओर ही आंसर आएगा। ओके वी आर राइट यार, क्यों हम लोग उसको इरेज कर दिया, पूर्व ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस ऑप्शन में होगा एकदम, इसमें नन ऑफ दिस कहां गया, ओहो देखिए ऑप्शन एक्चुअली हम सबों ने गलत उतार लिया था, ये ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन इसका कुछ ही इस प्रकार का था, वही मैं सोचूं कि मैंने कहां गलत कर दिया था, तो आंसर था इसका ऑप्शन था दक्षिण पश्चिम पूर्व और उत्तर, ऑप्शन था दक्षिण पश्चिम उत्तर और फिर क्या पूर्व, तो हम लोग का आंसर आ गया पूर्व, ये 10 मीटर था, ठीक है ना। और आपको मैंने पहले ही कहा कि आप यू कैन चेक छात्रगण, अब आप सीधे सीधे क्या कीजिए कि कुणाल को पूरब से निकालिए, आंसर तो आपका आ गया पूरब। अब कह रहा है क्या कि कुणाल अपनी दुकान से निकलकर 10 मीटर चलकर बाएं मुड़ गया, तो आपको निकलना किधर से, आप पूर्व से निकल जाइए, ईस्ट की ओर से निकल करके जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप चलिए, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज द राइट।
आप जब आंसर लास्ट में निकालेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा नॉर्थ में वो चल रहा था, आप निकाल कर देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें छात्रगण कि ऐसे प्रश्नों का पड़ाव बिल्कुल सिंपल है। पड़ाव क्या है ये अच्छी तरह से आप समझ जाइए कि दिए गए प्रश्न में आपको शुरुआत की दिशा नहीं होती है, शुरुआत की दिशा गायब होती है, उस गायब दिशा से आपको ओरिजिनल डायरेक्शन निकालना होता है। बच्चा क्या करेगा, सिंपली जो लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है अंतिम स्थिति में उसका चेहरा दिया हुआ रहेगा, अंतिम स्थिति में उसका चेहरा उत्तर की ओर दिया हुआ है, नॉर्थ की ओर उसका चेहरा दिया हुआ रहेगा। उस नॉर्थ की ओर आप यहां पर खड़ा हो जाइए, प्रश्न जैसे जैसे बोलता है ठीक उसका ऑपोजिट आपको चलना है। प्रश्न बोलता है बाएं, आप दाएं चलिए, प्रश्न दाएं बोलता है बाएं चलिए, प्रश्न बाएं बोलता है आप दाएं चलिए, और इस प्रकार मुड़ते हुए जो है उसको मंजिल तक पहुंचा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इसको चेक करना चाहिए तो आपका आंसर आया है पूर्व, कुणाल को आप पूर्व की ओर से निकालिए, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है दाएं मुड़ता है बाएं मुड़ता है मुड़ते चले जाइए, आप देखिएगा अंतिम स्थिति में उसका चेहरा कहाँ आ जाएगा, अंतिम स्थिति में उसका उत्तर, आपका आंसर उत्तर की ओर आ जाएगा। तो छात्रगण है ना कितना मजेदार ट्रिक, बिल्कुल। यदि प्रश्न के शुरुआत में दिशा नहीं दिया हुआ रहे तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, और प्रश्न जैसे जैसे कहता है शुरुआत की दिशा गायब है, गायब रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप अपना उसी अंदाज में, आप अपने उसी अंदाज में बढ़ते हुए नजर आएंगे छात्रगण, अर्थात शुरुआत की दिशा ना दिया रहे, अंतिम दिशा जो भी प्रश्न का है उस पर आपको खड़े हो जाना है। खड़े होकर के आपको जैसे बोल रहा है बाएं बोल रहा है बाएं चलिए, दाएं बोल रहा है दाएं चलिए, और उसके आधार पर फिर उसके मंजिल तक पहुंचा दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये चैप्टर और भी बहुत अच्छा से अकस्टम हो जाए। आइए आगे की ओर आपको लेकर के चलते हैं। छात्रगण एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर और पूरी तरह से कंसेप्ट इसका क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अनीस का स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। अनीस के घर से चलने के बाद यह दो बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ता है। बताएं कि अनीस के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। अनीस का स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। देखिए अंतिम दिशा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे प्रश्नों में शुरुआत की दिशा गायब होती है और अंतिम दिशा 100% दिया हुआ रहेगा। तो अनीस का स्कूल का बस जब उसके स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। हम सब अपने एज इट इज पॉइंट नॉर्थ की ओर खड़े हो जाएंगे। अनीस के घर से चलने के बाद वह दो बार दाईं ओर, कितना बार दाईं ओर मुड़ता है, दो बार दाईं ओर, हम लोग दो बार बाईं ओर मुड़ेंगे तो पहला बायां इधर ले लिए, पहला बाएं, फिर बाएं किधर जाएगा, इधर मेरा बायां जाएगा तो इधर हम लोग बाएं हो गए, दो बार बाईं ओर मुड़ेंगे क्योंकि दो बार दाईं ओर बोला है तो आप दो बार किधर मुड़ेंगे, बाईं ओर, पहले ही आपको समझाया जा चुका है। तथा स्कूल पहुंचने से पहले वह बाईं ओर मुड़ता है, स्कूल पहुंचने से पहले वह बाईं ओर मुड़ता है तो इधर का बायां किधर होगा, इस ओर होगा, हम मुड़ेंगे दाईं ओर, स्कूल पहुंचने से पहले वह दाईं ओर मुड़ता है। हो गया, बताएं कि अब हो गया, हम लोग बताइए किस दिशा की ओर चल रहे हैं, ये डायरेक्शन है कौन सा मेरा, वेस्ट, जिसको हम लोग बोलते क्या है, पश्चिम दिशा की ओर। तो हम लोग किधर चल रहे हैं, पश्चिम की दिशा की ओर। ऑप्शन देखेंगे, दक्षिण उत्तर पूरब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नन ऑफ दिस, आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। तो हम लोग किस दिशा की ओर चल रहे थे, पश्चिम, अर्थात अनीस जब अपने स्कूल से के लिए, अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है तो वह किस दिशा से निकलता है, वह पश्चिम दिशा से निकलता है। छात्रगण यही इस क्वेश्चन का पड़ाव था, उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है अनीस का स्कूल का बस किस दिशा की ओर था, तो अनीस का बस का स्कूल पश्चिम दिशा की ओर था। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसे प्रश्नों को सीख पाने में कामयाब हुए होंगे, और जो ऐसे प्रश्न का पड़ाव है कि शुरुआत की दिशा इसमें गायब होती है जबकि अंतिम दिशा 100% दिया हुआ रहेगा, उस अंतिम दिशा पर खड़े होकर के बाएं बोलता है दाएं मुड़े और दाएं बोलता है तो बाएं मुड़े, और ऐसे प्रश्नों को हल कर ले। दो तीन और क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में अटैच कर दे रहे हैं ताकि और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये चैप्टर आपका हैंडी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं इस वादे के साथ कि कल की क्लास में पुनः मुलाकात होगी। कहीं भी रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।